नमस्कार, मैं आज कलकत्ता आके प्रैक्टिस बिजनेस स्कूल में आके बहुत खुशी था आप ऊपर देखने के लिए। मैं जो काम करा है ये बहुत हिस्टिकल एरिया है। मैं सोचा है कि मेरा मन में आज जो अनुभवी है उसको आप लोग को बोल दिया था। हमारे धरित्री माँ के थोड़ा बुखार हुआ, जब कंप्लीटली बुखार हो जा होगा तब धरित्री हम लोग को छोड़ के चला जाएगा। ये धरित्री रखने के लिए ये मैं काम कर रहा, दूसरा तो काम नहीं करा। धर्म राजनीति अर्थनीति सबसे हमारे ऊपर प्रकृति, इसके साथ राजनीति अर्थनीति धर्म नीति आधार से मैं प्रकृति के काम कर रहा है, दूसरा तो काम करा नहीं है। लेकिन मेरा कॉलेज जो है वो हिस्टोरिकल एरिया, इंडिया के अंतिम लड़ाई ब्रिटिश और मानव का, मेरा जो फॉरेस्ट है मोहगढ़ बुलाया उधर ही 1826 ब्रिटिश के अधीन लड़ाई हुआ। वही दिन नॉर्थ ईस्ट ब्रिटिश के अधीन गया था, वही दिन एक आसाम है, लेकिन अभी तो 8 सिस्टर 7 सिस्टर हो गया। लेकिन वही दिन देखा है हमें, उधर ही जन्म है। जब ब्रिटिशों के दिन से ढाका हो कलकत्ता हो सामान लेके जहाज में कोकिला मुख बड़कू में जाओ, अपार आसाम के पहले रेलवे के लाइन जोरा जेपीआर में है, वही वस्तु सामान लेके उधर ही निकलता हो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन कराया अपार आसाम। लेकिन 1965 से यूज होने के हमारे गांव मोहगढ़ सूटी रेलवे के लाइन जहाज घाट ब्रह्मपुत्र में 10 किलोमीटर चला गया। मेरा वही दिन उम्र है 8-9 ईयर्स है। मैं तब मैं गया था, हमारे पिता माता जी गया था माजुली, और मैं गया था जोरहाट चर्च कोर्ट के पेस्टर अनिल बरठाकुर के घर में जाके क्लास थ्री तक उधर ही पढ़ा था। जो पढ़ा वो एक साइंटिस्ट है, उसका एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, लेकिन उसका नाम है डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। आज तक 93 ईयर्स हुआ उसके साथ बातचीत हुआ। तो बचपन से हम लोग को सिखाया पेड़ पौधा लगाने से भी नहीं होगा, पेड़ पौधा लगा के प्रतिपालन करके बड़ा करने पड़ेगा, पेड़ का गुणागुण पेड़ का नाम जाने पड़ेगा, वो प्रैक्टिकल नॉलेज बचपन से भी देता है। तो कोई टाइम में मेरे को जो सुपारी के साथ पाना है वो पाना पेड़ पौधा लगाने के दिया था, मेरा हाथ में जल्दी जल्दी होता है, नहीं तो 3 साल के बाद वो पाना होता है, मेरा हाथ में 21 साल में होता है। एक दिन हाथ दे के बुलाया, देखिए इधर आओ, तुम्हारे हाथ ये काम करो एक दिन विश्ववासी के प्रेरणादायक होगा, इसके लिए आप कर जाओ। ये करने से भी आप लोग बहुत अच्छा। 1979 तो जो 10 किलोमीटर जो यूसम होके गया वो तो सेंट एरिया है, बालू है, तो साइना अरुणाचल प्रदेश से बहुत फ्लाट पे जबरा उबरा आ गया। आने के बाद जो सेंट एरिया है उधर ही रुक गया था पानी सूखने के बाद, तब शताधिक सांप आया था, स्नेक्स आया था। आने के बाद वो जून जुलाई में आगे क्या 12 दिन आसाम में ज्यादा धूप होता है, वही दिन 23 दिन ज्यादा धूप, बालू का उत्ताप पर गर्मी पर सब सर्प डाइट हो गया। तब मैं एक दिन देख के गया था उधर जाके देखा तो मेरा प्यार लगा, वही दिन मेरा 15-16 ईयर्स है। तो जाके मैं 7 महीने से क्या करने पड़ेगा, 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्राइबल लुक है देवी कमिटी, उसका सासा ससी के साथ बुलाया, सासा ससी 7 महीने से क्या करने पड़ेगा, वो लोग बुलाया है विश्व से सब उसना घास रुको, मेरा मालूम नहीं है विश्व से सब उसना, वो लोग मेरे को समझा रहा है विश्व से सब उसना ग्रास बेम्बो, बेम्बो रुकने से भी सांस होगा, सांस साफ नहीं मिला तो पेड़ रुक के जाओ। 50 बेम्बो का बीज, 25 बेम्बो दिया था मैं, 50 मिट्टी का कलसी लेके फूटा करके वो बेम्बो के नीचे रुक के पानी 5 दिन का अंतर दे दे के बेम्बो भी जल्दी जल्दी, जो बीज आया था वो भी जल्दी जल्दी उन्हें पेड़ रुकते रुकते 30 ईयर्स हो गया, 30 ईयर्स बड़ा फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट उनका रॉयल बंगाल टाइगर आ गया, शताधिक डियर आ गया, डियर आने के बाद रॉयल बंगाल टाइगर आ गया, उसका भालचार आ गया, राइनो आ गया, इलिफेंट 150 आ गया। इलिफेंट आने में मेरा बहुत दुख था, ऐसे ही पीपुलो लोग
गांववासी लोग बोला तो फर्ज बनाने में ये हम लोग का मकानों का एलिफेंट ने तोड़ देता है, लेकिन हम लोग के पेड़ सब कटने पड़ेगा, तब नहीं है। वो तो मीटिंग करा है, एक दिन मेरा साथ आ गया, आने के बाद बुलाया जे हम लोग सब पेड़ काट गया तब एलिफेंट नहीं आएगा। तब मैं बुलाया पहले मेरे को काटो उसके बाद बात पेड़ काटो, तो मेरा बात सुन के वो लोग चला गया। लेकिन मैं वो लोग को समझा दिया, आप लोग का एमएलए भी है, एमपी भी है, चीफ मिनिस्टर भी है, भारत का प्रधानमंत्री, वहां बातचीत कर, मैं पेड़ कटने नहीं देगा। मेरा बात सुन के वो लोग चला गया। चलने के बाद कोई दिन पत्रकार को धन्यवाद देता हूँ, 7 पत्रकार आ गया। आने का पहले दिन जब आ गया वही दिन अब 9 कार को टाइगर ने मारा, 3 राइनो है, 150 इलिफेन है। तो आने पर मैं तो पत्रकार ही जाना नहीं, उसको ला आप लोग फॉरेस्ट के अंदर मत जाइए, आप चला जाओ। दूसरा दिन मकर क्रांति है, वही दिन आके एक आसामीज गामोसा, एक सेलेंग चादर, एक दूसरा एक 500 रुपया प्रमाण पत्र का, बहुत अच्छी काम कर रहा आप, कर्ज आपके साथ हम लोग है। तो वो आर्टिकल लिखने से 2 ईयर्स लगा, सदिया तक धुबुरी गवेषणा करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिख रहा हमारे साथ रेवेन्यू के नहीं है, वो अकेले करा है। तब 2010 25 जनवरी में जीतू कलिता जो आर्टिकल ने दैनिक जो में लिखाया, वो आर्टिकल लिखने के बाद दूरदर्शन आ गया, टाइम्स ऑफ इंडिया आ गया, RDY365 आ गया। आने के बाद धरती दिवस ने 22 अप्रैल में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन्वाइट करके एनवायरमेंटल साइंस वो इन्वाइट करके 3 दिन 3 रात हर पेड़ का ऊपर, हर जानवर के ऊपर, हर पंछी के ऊपर अध्ययन करके इंडिया में पहले बार फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया सम्मान दिया था। सम्मान देने के बाद मेरे को यहीं के भी आप लोग का कलकत्ता के भी सुधा मेरा मोहिन दिन मेरा है, अभी तो अवसर हुआ, वो बुलाया मेरे को, आपका सब्जेक्ट इन स्कूल एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी बड़ा बड़ा मीटिंग में मत जाइए, ये नहीं इंडिया में इन्वाइट करेगा जाने पर का, ऐसे ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड जब इन्वाइट करेगा जाने पर। दूसरा दिन फिर आसाम में गया था, आसाम में जाके जब वहाँ से 3 दिन के बाद मेरे को चंद मुकाटन हॉल बॉम्बे APJ अब्दुल कलाम सर ने मेरे को मोड़ में हाथ दे के बुलाया, विश्व से सब अच्छी काम आप कराया, इसके लिए आपको 60 kg डायमंड से टाहिला कुछ का शेक देता है, विश्ववासी के लिए कर रहा हूँ, आपका सब्जेक्ट इन स्कूल एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी बड़ा बड़ा मीटिंग में मौज जाए, ये नहीं इंडिया में इन्वाइट करेगा जाने पर का, ऐसे ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड जब इन्वाइट करेगा आप जाने पर। तब तो मैं 3 दिन के बाद फ्रांस में इन्वाइट करा है, इवन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। तो मेरा तो पासपोर्ट नहीं, वीसा नहीं, कैसे जाएगा, और कोई दिन फ्लाइट में नहीं गया था। तब तो मैं ईमेल में भेजा दिया था फ्रांस, तो जे तो तब इवन से इंडिया गवर्नमेंट को बुलाया, वो तो हम लोग का जरूरत है, इसके लिए 195 पैसों का जितने भी साइंटिस्ट लोग उधरी है और वो लोग को मैं को इन्वाइट करके बुलाया, भारतीय प्रशासन ने उसका पासपोर्ट वीसा कंप्लीट करके आपको भेजा दो। तब 2 दिन के आगे इंडिया बंद कर दिया, तब 2 दिन के आगे कलकत्ता आया था, जब कलकत्ता में पासपोर्ट वीसा मिला तब वो इतने ही डर लगता है, प्लेन में कोई दिन नहीं गया था। कलकत्ता तो तारफ दहा तक 3 बोतल वाइन बहुत ज़्यादा मिलता है इंटरनेशनल फ्लाइट में, 3 बोतल पिया, अरब का दोहा तक स्विट्जरलैंड जेनेवा तक 2 बोतल पी के फ्रांस पहुंच गया। तब मेरा साथ जर्नलिस्ट गया था जीतू कलिता, उसको बोला देखिए पेड़ ने मेरे को कपड़ा पहनाया, पंछी ने 7 समुद्र तैर के पार करके सुषमा ने देश में लेके आया था, दूसरा तो नहीं आया था, इसके लिए पेड़ के ऊपर, पंछी के ऊपर, जानवर के ऊपर कितनी जरूरत है हमारा। पिछला दिन जब इवेंट हुआ 195 देशों का, तब घोषणा करा है साइंटिस्टों लोग से, ये नहीं कोई पेड़ के बाद कोई धरती नहीं बचा सकेगा। तब समस्त विश्ववासी ने
प्रकृति को ध्वंस करने के बाद एक आत्मी सृष्टि करने के लिए इवेंट में मेरे को सम्मान और जो बुक है वो आर्टिकल लिखने के लिए उधारी उठते तब एक पर्दा लगाने के दिया था। जब पर्दा लगाया विश्व से हर धर्म का लोग थोड़ा थोड़ा मिट्टी दे के कोई देश देता है, कोई उपासना करा है, कोई प्रार्थना करा है, फिर जब तक जिंदे रहेगा हम लोग जिंदे रहेगा नहीं तो नहीं देगा। तब और बारिश आ गया, बारिश आने के मन तब मेरा मन में बहुत खुशी था। तो विश्ववासी अवेयरनेस हुआ था कोई दिन से हम लोग यही काम करा है। तो उसके बाद इंडिया में आ गया, इंडिया में हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में गया था। 1972 में स्वीडन के स्टॉक में 113 देशों ने ओईटीबी घोषणा करा क्लाइमेट चेंज। तब इंडिया में हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी 1973 में बुक में है, 1974 से विश्व पर्यावरण पांच दिन में पालन करा है, लेकिन एको भी पेड़ नहीं है एक ही डाटा पर विश्व पर्यावरण दिवस पालन करे। न इंडिया का शिक्षा ऐसे ही है, बड़ा लोग पेड़ कटा है, सुंदर लड़का बच्चा को बुखार के जान मरा, तो कुछ नहीं हुआ था। इसके लिए शिक्षा को अग्रिकार दे के एनवायरमेंटल साइंस पर्यावरण विज्ञान एलपी स्कूल में से देने पड़ेगा। जब तो एक लड़का एलपी स्कूल में एडमिशन देगा एक पर्दा लगाएगा, वो प्रैक्टिकल 5 साल में बड़ा करने पड़ेगा, उसका ऑक्सीजन वो लेगा, दूसरा 5 साल और एक पेड़ रुपएगा विश्ववासी को देगा। तब साल भर इंडिया ने कितनी एडमिशन देता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने एडमिशन दे, 2 साल में कितना हुआ, 3 साल में कितना, 4 साल में, 5 साल, 3 साल में इंडिया ग्रीन हो जाए, ऑल ओवर वर्ल्ड ग्रीन। वो लड़का बच्चा सब आदिम युगों से जो संरक्षण नहीं कर पाए वो लोग करेगा, वो लोग का पेड़ कोई दिन कटने ही नहीं देगा, पेड़ के ऊपर पंछी बेगा मारने ही नहीं देगा, पेड़ के नीचे जानवर बैठेगा मारने ही नहीं देगा। आदिम युगों से जो संरक्षण कर नहीं पाया वो लोग करेगा, वो नया धरती बचा सकेगा। इसके लिए बच्चों लोग के साथ, सत्यों लोग के साथ, सत्यों लोग के साथ बहुत मेरा प्यार है। किसके लिए, वो लोग देखने से भी हम लोग गलती कराए, वो लोग तो गलती नहीं करा। इसके लिए वो लोग के ऊपर मेरा दिन रात मेरा यही भावना है, वो लोग कैसे अवेयरनेस करेगा, तो जब तक धरती रहेगा तब तक हम लोग जिंदे रहेगा, धरती नहीं रहेगा किसके साथ बातचीत करेगा। कोई दिन भारतीय कर्नल को भी बुलाया, साइना जब जीरो में जाके इंडिया का कर्नल और साइना का कर्नल, भाई आप लोग का धरती नहीं रहेगा देश कैसे रुकेगा, पहले धरती बसा उसके बाद लड़ाई करो, आप लोग का स्किन पर भी प्लांटेशन करने पर तब हम लोग जिंदे रहेगा नहीं तो नहीं रहेगा। तो आजकल वो आज 3 दिन के आगे सीओ के साथ भारतीय सामूहिक बैंक सुनीतपुर डिस्ट्रिक्ट में जाके वो लोग भी बड़ा बड़ा नर्सरी बनाया, वो लोग प्लांटेशन करके अवेयरनेस करा है गांव में जा जाके। तो अभी बहुत खुशी था, और विश्व संघ ने देखा इकोनॉमिकल फ्रॉम क्लाइमेट चेंज फ्रांस में हेलिटन में इंडिया के इकोनॉमिकल एक लेक्चर गया था, मैं गया था 12 मिनट भाषण देने के बोला है। तो मैं 195 देशों के 20,000 पीपल ऑल ओवर वर्ल्ड, तो मैं बोला आप लोग इकोनॉमी के ऊपर इतनी जरूरत है, 1 मिनट उषा बंद करो, ऑक्सीजन कितनी जरूरत है, कौन ऑक्सीजन देता है, पेड़ नहीं देता है। इसके लिए 20,000 पीपुल अपन जिंदे के लिए एक एक आग पैदा लगाओ, ऑल ओवर वर्ल्ड 780 करोड़ पीपुल एक एक पैदा लगाओ तो आप धरती बसा सकेगा, नहीं तो नहीं बसेगा। आज कोविंद ने विश्ववासी को समझा दिया था, क्या हुआ हम लोग धरती के लिए जितनी भी काम करा है उसका तो बहुत अच्छा नहीं हुआ, इसके लिए कोविड आ गया। इसके लिए 7 डेज यूनेस्को बेन एम्बेसडर को मेक्सिको में जाकर पुर्तगाल के अंडर पर मेक्सिको में हुआ था, सुक्ति नंबर प्रेसिडेंट के साथ सुक्ति हुआ था, 3 साल विसा है मेरा मेक्सिको। तो 1 लाख स्टूडेंट के साथ पेड़ पौधा लगाना पड़ेगा 3 महीना में, तब तो जल्दी जल्दी गिना, वो लोग तो इंडिया का जितने भी वैरायटीज पेड़ है उधर नहीं है, 3-4 वैरायटीज है, ज़्यादा नहीं है। इसके लिए यही करने से आप कर रहा है वो लोग, आप
यहाँ जाके पुणे में जाके गांव वासी के साथ ये प्लांटेशन करके भी मेक्सिको चला जाएगा आसाम जाके। तो मेरा काम है, आप लोग का भी काम है, इकोनॉमिकल जरूरत है, इकोनॉमिक के साथ बैलेंस रखने पड़ेगा एनवायरमेंट, तब हम लोग जिंदे रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। आप लोग आगे तो कंपनी में चला जाएगा, विदेश में चला जाएगा, जितने भी नौकरी करेगा, 1% धरती के लिए पैसा देने पड़ेगा। जहाँ खाली ठाई था इंडिया का, ये जो प्लांटेशन करने देने वाला एनजीओ लोग है, इंडिया का भी एनजीओ है, इंडिया का पहाड़ों को भी एनजीओ है, वो लोग देने से भी जल्दी जल्दी गिन करने पड़ेगा। तो लोग हम लोग जिंदे, तो बातचीत हुआ है, ये हमारा देश धरती बचा सके। आप देखा है विश्व सम्मेलन में वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब, मेरे को अवार्ड से नहीं बुलाया, वो तो इंडिया को बहुत ऊपर में छोड़ के गया था। इसके लिए ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया के आदर्शों में आ रहा है। और एक दिन आप लोग जो है आज मीटिंग है, वो तो आप लोग ऑल ओवर वर्ल्ड को नेतृत्व देने चाहिए आ रहा है। मैं देखा है मेक्सिको में जाके साथियों लोग ने, सार पायलट ने विश्व रिकॉर्ड करा है, 57,000 फ्लाइट चला कर विश्व रिकॉर्ड करके मैं मेक्सिको जब रहा है, बहुत खुशी था उधर। अभी पहली बार चंद्रगण मंगल जाने वाला इंडिया की भी शक्ति है कल्पना चावला भी, उसका आदर्श लेने चाहिए। सत्यों लोग आप लोग का ऊपर देश भरोसा है, देश जब तक धरती जब तक बसा सके तब तक हम लोग जिंदे रहे, धरती नहीं बसा तो हम लोग का कोई काम नहीं है। इसके धरती के ऊपर बिजनेस से इकोनॉमिक से आप लोग को रुकने चाहिए, तब हम लोग बड़ा करने पड़ेगा, तो इंडिया को ग्रीन करने पड़ेगा, तो हम लोग जिंदे रहेगा। ये करने से भी हम लोग का बहुत मन खुशी है, आप लोग का ऊपर आके स्कूल में आके बहुत अच्छा लगा है। आप लोग ये करके जाओ, धन्यवाद।